मैं फाइनली लाइन की लोकेशन मिल गई। तो क्या हाल चाल है गाइज, ये है मेरा पहला व्लॉग। सुनने में आया कि दिल्ली में एक शेर आ गया है, तो बस मैं उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ। देखते हैं हमें मिलता है या नहीं। हेलो गाइस, और हम लोग जा रहे हैं जू। बहुत मजा आने वाला है। और यहाँ पर बैठे हैं हमारे डायरेक्टर साहब और पीछे बैठे हैं पैसेंजर, और बहुत मजा आने वाला है जू में। और काफी सारे एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे और बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो गाइस, हम पहुँच गए हैं उस जगह पे जहाँ पे शेर के होने की आशंका है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हमें शेर मिलता है या नहीं। तो आर यू गाइस एक्साइटेड? क्यों भाई, तू एक्साइटेड क्यों नहीं है? गाइस, बड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद कर ली हमने जू में एंट्री। और देखिए, ये हमें बंदर मिला है एक जू में, जिसने मगरमच्छ की टी शर्ट पहन रखी है। लोग फोटो खिंचा रहे हैं, यहाँ लिखा है आई लव दिल्ली जू। एंड ये पता नहीं क्या है, चलो आगे चल के देखते हैं क्या है ये। ऐसे मत कर यार भाई, पहला व्लॉग है, बनाने दो। और कैसा लग रहा है आपको जू में आके? पहली बार आ रहे हैं। तुम्हारी भी ले लूं? आ जाओ। ये देखो जी, ये दो लड़कियां आई हैं बड़ा तैयार होके यहाँ पे हमारे व्लॉग में। तो ठीक है गाइस, फिर अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको जैसे ही मुझे कुछ इन बंदरों के अलावा कुछ दिखता है। तो आप उतरने की तो लोमड़ी देखने? नहीं भाई नहीं, कोई तगड़ा दिखाओ। दिख नहीं रहा गीदड़ यार, बस पब्लिक ही दिख रही है कसम से। ये जू कम मस्ती हो जा रहा लग रहा। रुको जरा, सबर करो। तो गाइस, फिलहाल हमें हिरन और गाय और कुछ ऐसे दो चार पक्षी दिखे हैं, लेकिन गाइस यहाँ का नजारा बड़ा बढ़िया है। ये देखो, तो ये रहा भालू। भैया भालू जी, जरा अपना चेहरा इधर करेंगे। नहीं, इधर से नहीं आ रहा, उधर से जाके देख, उधर दीवार है। अरे उधर बुला लिया, भाषा नहीं आती इनकी। तो भैया अभी इसका चेहरा नहीं दिख पा रहा है। भालू भैया, ओ भालू भैया ना, वो रोज आते होंगे ऐसे करने। फेस रिवील कर दिया है फाइनली। हाँ, और देखिए ये और ये सही है भाई। कैसा लग रहा है अभी बच्चों, भालू कैसा लग रहा है भालू देख के? मस्त एकदम, मस्त एकदम, मस्त हो गया फाइनली। घास नहीं खाता भाई, बकरी थोड़ी है। पूरा खड़ा हो जाता है ये, हाँ पूरा खड़ा हो जाता है ये। हाँ, क्या खा रहा है लेकिन ये कुछ डाला हुआ सूंग रहा। नहीं ऐसे ना, तो पूरा खड़ा हो जाता है ये। ओ भाई इधर ही आ रहा है। ये घास ही खा रहा है क्या सच में? मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। घास के ऊपर ना कुछ वो रस होता है, प्रोटीन वोटीन कहीं हो ना, वो ले लेते हैं, चूसते हैं शायद। शहद भी तो खाते हैं भालू, शहद थोड़ी है इनमें। अब हम देखने जा रहे हैं टाइगर। देखें कहाँ है टाइगर। अच्छा ये रहा, कहाँ गया भाई, कैमरे में नहीं आ गया। तो गाइस ये है बंगाल टाइगर।
मेरे ख्याल से ये इसका सबसे साइज बड़ा होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी टाइगर्स की स्पीशीज है। ये देख ही नहीं रहे लोगों की तरफ ना, पब्लिक की तरफ तो ये देखते भी नहीं है। आई थिंक ये बोर हो जाते हैं। तो भाई बच्चों, तुम्हारे हिसाब से क्या उम्र होगी इस टाइगर की? 20 साल। नहीं, जा 40 साल तो जीते ही हैं शायद मेरे ख्याल से टोटली। 25 साल। हाँ, ऐसे भी टाइगर के बाद हमें आए थे वाइट टाइगर को देखने, लेकिन अभी उनके विश्राम का टाइम है तो वाइट टाइगर जी सो रहे हैं, तो चलिए हम इन्हें सोने देते हैं और हम खोज पे निकल पड़ते हैं आगे और जानवरों की। कैसा लग रहा है आपको शटल में बैठ के? बहुत अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स फील हो रहा है। अब हम तभी उतरेंगे। क्या हो गया, थक रही है क्या? कोई अच्छा एनिमल मिलेगा, मोटा जानवर मिलेगा, अब हम तभी उतरेंगे। अब हम तभी उतरेंगे वरना हम नहीं उतरेंगे, क्योंकि हम थक चुके हैं चल चल के। तो बच्चों, तो गाइस, हम काफी देर से शेर की लोकेशन ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिल रही है। होपफुली सून विल फाइंड किंग ऑफ द जंगल। अरे ये क्या है, लगता है ये किला, ये महल शेर का ही है। चलिए चल के देखते हैं। कुछ भी गाइस, हमें जानवर तो नहीं मिला लेकिन एक ज़ॉम्बी मिल गया हमें यहाँ पे। तगड़ा ही डिजाइन है इसका, क्या अल्टीमेट लग रहा है ये। तो गाइस, कमेंट्स में जरूर बताना आपको कौन सा एनिमल सबसे अच्छा लगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने देखा, मैंने। हाँ, और मैंने भी देखा, और ये देखा राइनोसॉरस। तो भाई रूबी, कौन सा एनिमल आपको सबसे अच्छा लगा अभी तक? क्यों क्यों लगा अच्छा? तो गाइस, ये पीछे बहुत ही अच्छी लोकेशन लग रही है, मुझे पता नहीं कौन सा जानवर है, चलो आओ आके देखते हैं। क्या लगता तुझे यहाँ पे कौन सा एनिमल होगा? चला देखें चल के। तो यहाँ पे कोई जानवर नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ पे आदिवासी रहते होंगे। आप देखिए इसे, इस जगह को ध्यान से, एकदम स्टोन हाउस सा लग रहा है ना ये। अरे कहना क्या चाहते हो? गाइस ये देखिए क्रोकोडाइल, इसने अपना मुंह खोल रखा है। गाइस हमें फाइनली लाइन की लोकेशन मिल गई है, आइए। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. बस कुछ ही पल दूर हैं हम लायन से। तो वहां भी हमें लायन नहीं मिला, पता नहीं राजा जी कहाँ छुपे बैठे हैं, कहाँ। ये लायन नहीं है यार, यहाँ पे भी नहीं है, डोंट नो।
चलो शेर जी के भी अलग ही नखरे हैं भाई। मुझे देख लो यार, शेर से कम क्या। वो शेर जी कहाँ हट जाओ भाई, कहाँ है मुझे नहीं दिख रहा यार, ऐसे तो पता भी नहीं चल पा रहा ना ठीक से। बात ऐसी है कि सब रहे हैं सो, लायन भी सो रहा है, क्या ही बोले, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। मतलब है हम आए हैं मिलने यहाँ पे और ये सो रहे हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। अब इधर देखा इन्होंने, अच्छा कोई जाला वाला वो करता ना तो अलर्ट हो जाता है। तो गाइस अब हम शटल देख रहे हैं वापस जाने के लिए। अब हमने सारा घूम लिया है और अब हम बहुत थक चुके हैं, हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत फन किया, बहुत एंजॉय एनिमल्स किए, एंजॉय करा है हमने थकान के साथ बहुत ज्यादा। अब हम शटल ढूंढ रहे हैं वापस जाने के लिए। तो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस, शटल का वेट कर रहे हैं हम। शटल की वेट कर क्या बार बार शटल की ऐसी तैसी भेज दी। तुझे अक्कल है, तू क्या बोल रही है, चुप चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। तो फाइनली गाइस हमारा जू का सफर यहाँ खत्म होता है। काफी सारे एनिमल्स देखे, कुछ बहुत अच्छे लगे, कुछ देख के इतना मजा नहीं आया। जैसा भी आपको लगा मेरा व्लॉग कमेंट्स में जरूर बताना यार, ठीक है, जरूर करना कमेंट। अच्छा नहीं लगा तब भी बताना और लाइक कर देना यार, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना व्लॉग खत्म करते हैं। तो गाइस जोर की बोलो बाय बाय। अच्छा क्या हो गया, क्यों